subscribe to Pop Diaries and click on the bell icon for the latest update. Is taraf sir. Sir. Jija ji. मैं आपके ससुराल से हूँ. कहाँ है ये इस तरफ. अरे सॉरी स्टीव राइट. दरअसल सालों को देखने में थोड़ी तकलीफ ही होती है. नहीं नहीं सर. रोशनी इतनी है कि ऐसे. जी कोई बात नहीं. मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसी कौन सी मुल्क की फिक्र है जो आपको हमेशा सताती है और ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो मुल्क में आप पूरे करना चाहते हैं. वो उसमें ब्लास्ट हो रहा है. एक बार फिर से बोलिए क्या था. ऐसी कौन सी फिक्र है जो मुल्क में आपको जो बहुत सताती है. आप कई अभियानों से जुड़े हैं, देश के कई अभियानों से जुड़े रहे जी. और इस वजह से ये सवाल मेरा आपसे भोपाल से है. आपका ये सवाल है कि ऐसी कौन सी फिक्र है जो देश की जो आपको चिंता सताती है और ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो आप चाहते हैं कि देश में पूरी हो जाए. जी देखिए ये सभी कहते हैं और मैं भी इससे दूर नहीं हटना चाहूँगा. गरीबी है, मुफलसी है, इन सब चीज़ों से हम सब परेशान होते हैं. क्या कर सकते हैं इनके लिए, ये हम सब का एक व्यक्तिगत निर्णय होता है. चैरिटेबल कॉजेज के साथ हम जुड़ जाते हैं. व्यक्तिगत तौर पे हम क्या करते हैं ये इसका हम बयान कभी करते नहीं हैं, लेकिन हम करते रहते हैं अपने तरीके से. जितनी भी दुविधा है देश भर में, वह एक इंसान तो उसको पूरी नहीं कर पाएगा. सब मिलजुल करके काम करना पड़ेगा. तो ये चीज़ें तो हैं, ये चिंताजनक होती हैं. और जितने भी अभियानों के साथ में जुड़ा हूँ उन सब के लिए मैं निरर्थक काम करता रहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब अच्छे कार्य हैं. चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे वो बेटी बचाओ हो, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, पोलियो हो, इन सब के लिए कुछ जो बीमारियां हैं उनके लिए इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि इनसे मैं स्वयं गुजरा हुआ हूँ. ट्यूबरकुलोसिस हो, हेपेटाइटिस हो, इन सब के साथ मैं मेरा स्वयं एक अनुभव रहा है, क्योंकि मैं ट्यूबरकुलोसिस का मरीज़ रहा हूँ और किस तरह से उसको सही समय पर जब डिटेक्ट हो गया उसका इलाज किया. और आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो ट्यूबरकुलोसिस जो हुआ था वो सन 2000 में हुआ था. केबीसी के सेट पे जब केबीसी शुरुआत हुई उन्हीं दिनों पे मुझे पीठ में बहुत दर्द होती थी, तो स्पाइन में टीबी निकला था और उसका इलाज किया और फिर लेकिन वो सही समय पर. तो इस चीज़ का मैं प्रचार करता हूँ. हेपेटाइटिस बी का प्रचार करता हूँ क्योंकि हेपेटाइटिस बी का मैं एक विक्टिम हूँ. 2082 में जब कुली का एक्सीडेंट हुआ उस समय मुझे बहुत से खून की ज़रूरत पड़ी थी. तकरीबन 60 कैप्सूल्स और क्या कहते हैं उनको वो मिले, जिसमें कि 200-250 डोनर्स थे जिन्होंने खून दिया मेरे लिए. उनमें से एक जो डोनर था वो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस था वो कैरी कर रहा था. और उस समय क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एंटीजन उस वायरस का नाम है, वो अभी अभी हाल ही में डिटेक्ट हुआ था, तो उस समय यहाँ पर किसी ने उसको टेस्ट नहीं किया. वो मेरे शरीर में गया और उसने मेरे लिवर को खाना शुरू किया. और वो मैंने 2005 में ऐसे ही एक जनरल डिटेक्शन के थ्रू ये पता हुआ कि 75% मेरा लिवर जो है वो नष्ट हो चुका है. अब मैं आपके सामने अगर हूँ जीवित और बात कर रहा हूँ तो मैं केवल 25% अपने लिवर के साथ काम कर रहा हूँ. लेकिन ये बात नहीं है कि हम सहानुभूति जा रहे हैं आपसे, हम ये कह रहे हैं कि उसको डिटेक्ट कर लिया गया और उसके इलाज के हमने बात की. कई बार ऐसा होता है लोग जो है बिना डिटेक्शन के चले जाते हैं और फिर दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो जाती है. तो इस चीज़ों का जब मैं प्रचार करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है.